एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी और जेजेपी ने जीत के लिए कसी कमर, बोले हर हाल में जीतेगा गठबंधन का उम्मीदवार। एलनाबाद उपचुनाव के लिए जेजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी व सह प्रभारी। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह को बनाया चुनाव प्रभारी। राज्य मंत्री अनूप धानक व दिग्विजय चौटाला को सह प्रभारी की दी गई जिम्मेदारी। तीन सहयोगी भी किए नियुक्त। जैसे जैसे एलनाबाद उपचुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे विपक्षी पार्टियां जीत को लेकर अपनी रणनीति बनाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी कड़ी में गठबंधन सरकार भी जीत के लिए मैदान में उतर चुकी है और अपनी रणनीति बना रही है। 30 अक्टूबर को होने वाले एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों व सहयोगियों को नियुक्त कर दिया है। इससे लगता है कि शायद जो उम्मीदवार एलनाबाद में गठबंधन सरकार की तरफ से होगा, वो पूरे चांस है कि जेजेपी पार्टी से ही होगा। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं जेजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री अनूप धानक और जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं इनके सहयोगी के तौर पर प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक किशन कंबोज, प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक रामवीर पटौदी व वरिष्ठ युवा नेता सुमित राणा को जिम्मेदारी दी गई है। यह निर्णय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राष्ट्रीय गठबंधन सचिव राजेंद्र लिताणी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक में लिया है। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं पार्टी के इलाहाबाद उपचुनाव के नवनियुक्त प्रभारी सरदार निशान सिंह ने कहा कि गठबंधन सरकार की दोनों पार्टियां बीजेपी जेजेपी मिलकर मजबूती के साथ इस उपचुनाव को लड़ेंगी और जीतेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन का मजबूत उम्मीदवार जल्द ही मैदान में होगा और उसे एलनाबाद की जनता अपना आशीर्वाद देते हुए सरकार के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। निशान सिंह ने कहा कि दोनों दलों में उम्मीदवार किस पार्टी का होगा, ये फैसला दोनों दलों की सर्वसम्मति से बहुत जल्द लिया जाएगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कौन जेजेपी और बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरता है। लेकिन जिस प्रकार से एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जेजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है, अपने उम्मीदवारों का या सहप्रभारियों का चयन किया है, उनकी नियुक्ति की है, उससे अब लगने लगा है कि एलनाबाद उपचुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार की संभावना सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार एलनाबाद की जनता किसको सिर आंखों पर बिठाती है और किसके सिर पे चौधर का ताज सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।